नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। इस एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली नोटिफाई किया है। राष्ट्रपति जी ने इस पर अभी साइन किए हैं 18 अप्रैल को, तो अभी हार्डली एक हफ्ता हुआ है इस एक्ट को पास हुए। तो ये एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिससे इंडिया को एक पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश गवर्नमेंट की है। तो इस एक्ट की जो मेन मेन प्रोविजन है, वैसे तो टोटल इसमें 10 ही सेक्शन है, लेकिन जो मेन मेन सेक्शन है वो हम आज डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये एक्ट अच्छा है या आपको लगता है कि ये एक्ट बुरा है या इट इज इंफ्रिंजिंग द लिबर्टीज ऑफ द सिटीजंस, राइट? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। तो देखते हैं ये एक्ट गवर्नमेंट ने क्यों बनाया है। एन एक्ट टू ऑथराइज फॉर टेकिंग मेजरमेंट ऑफ कन्विक्ट एंड अदर पर्संस फॉर पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन इन क्रिमिनल मैटर टू प्रिजर्व रिकॉर्ड्स एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयरविद एंड इंसिडेंटल देयरटू। यानी कि ये एक्ट सरकार ने बनाया है जो कन्विक्ट्स हैं या जो और भी जो लोग हैं जिनको जैसे सिक्योरिटी फर्निश करने के लिए कहा जाता है टू मेंटेन पीस, उनके मेजरमेंट्स लेने का गवर्नमेंट को राइट ये एक्ट देता है। अभी मेजरमेंट्स क्या होता है हम अभी देखेंगे, राइट? तो उनकी मेजरमेंट्स लेने के लिए गवर्नमेंट को ये एक्ट अधिकार देता है, राइट? तो सबसे पहले हम मेजरमेंट्स की डेफिनेशन देखते हैं एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है। सबसे पहले जो ये है मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन है, कॉमन है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अदर एरियाज में, और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो सिक्योरिटी फर्निश करने के लिए कहता है किसी को, तो इन केस द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, राइट? तो ये तो एक बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब ये देखिए, ये है मेन चीज, ये जो मेजरमेंट की जो डेफिनेशन कही जा रही है उसको हम देखते हैं वो क्या है। मेजरमेंट इंक्लूड्स फिंगर इंप्रेशंस, पाम प्रिंट्स इंप्रेशंस, यानी आपकी उंगलियों के निशान, आपकी हथेलियों के निशान, आपके फुटप्रिंट इंप्रेशंस फोटोग्राफ्स, आपके आयरिस एंड रेटिना स्कैन, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड देयर एनालिसिस, बिहेवियर एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग सिग्नेचर, हैंडराइटिंग एंड अदर एग्जामिनेशंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 53 ए ऑफ CRPC, राइट? अब ये सब डाटा आपका गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है, राइट? अब यहां देखिए, पुलिस ऑफिसर मींस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल, यानी कि हेड कांस्टेबल जैसे छोटी रैंक को भी ये सब कलेक्ट करने की पावर दे दी गई है। अब हेड कांस्टेबल के नीचे सिर्फ कांस्टेबल ही होता है, तो उसे भी दे देनी चाहिए थी गवर्नमेंट को, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि यहां से इतनी इतनी वाइड पावर्स इतनी छोटी पोस्ट के लेवल के ऑफिसर को भी दे दी गई है, राइट? प्रिजन ऑफिसर मींस एन ऑफिसर ऑफ प्रिजन नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड वार्डन, यहां हेड वार्डन तक की रैंक का आदमी आपका डाटा कलेक्ट कर सकता है इनकेस यू आर कन्विक्टेड और यू आर ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी फॉर मेंटेनिंग पीस सेक्शन 117 एक्सेट्रा ऑफ द CRPC, राइट? तो अब देखते हैं जो इसका सबसे मेन सेक्शन है, यानी सेक्शन 3, 4 एंड 5, जो सबसे मेन है और सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल भी। एनी पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, राइट? यानी कि अगर आपको किसी छोटे से ऑफेंस की भी सजा हो गई तो आपका ये गवर्नमेंट डाटा ले सकती है अकॉर्डिंग टू क्लॉज 8। ordered to give security for his good behavior for maintaining peace under section 117 of CRPC or for a proceeding under section 107, 8, 9 and 110 of CRPC. यानी CRPC में जो powers हैं magistrate के पास, जिसमें वो शांति और सौहार्द बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को, जैसे जो notorious elements होते हैं
किसी इलाके के, उनको ऑर्डर कर सकता है कि आप सिक्योरिटी फर्निश कीजिए कि आप दंगा फसाद नहीं करवाएंगे, या जो प्रभावशाली लोग होते हैं किसी इलाके के, उनके भी डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं. एनी पर्सन हु हैज बिन, यानी दो, यानी या तो आपको किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर दिया गया हो या आपको सिक्योरिटी फर्निश करने के लिए कहा गया हो, राइट, अरेस्टेड इन कनेक्शन विद एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और डिटेन्ड अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. यानी अगर आपको जैसे यूएपीए के अंदर गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट किसी एक को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है, अब आप मान लीजिए कि किसी आम इंसान को गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया और उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट कर लिया, अब उसका सारा डाटा ले लेगी गवर्नमेंट, है ना. तो दिस इज इन काइंड आर्बिट्ररी पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक यू नो डाटा ऑफ एनी सिटीजन, मेजरमेंट ऑफ एनी सिटीजन, राइट. सो इट इज बेसिकली, आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, इट इज बेसिकली वॉयलेशन, इट वॉयलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, राइट. सेल इफ सो रिक्वायर्ड अलाउ हिज मेजरमेंट टू बी टेकन बाय पुलिस ऑफिसर और प्रिजन ऑफिसर इन सच मैनर एज मे बी ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राइट. यानी इन तीन लोगों को अपना डाटा देना पड़ेगा सरकार को, राइट. अरेस्टेड, यहां देखिए अरेस्टेड है, कन्विक्ट भी नहीं हुआ है. अरेस्टेड इन कनेक्शन विद एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. यानी अगर आपको सिर्फ अरेस्ट भी कर लिया गया है तो भी आपको डाटा देना पड़ेगा अपना. अब इसकी एक एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन अरेस्टेड फॉर ऑफेंस कमिटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एक्सेप्ट फॉर एन ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट अ वुमन चाइल्ड और ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पर्सन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 7 years मे नॉट बी ऑब्लाइज्ड अलाउ टेकिंग हिज बायोलॉजिकल सैंपल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है जिसमें 7 साल की सजा से कम है, या जो आपकी आपने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया जो किसी वुमेन के अगेंस्ट है या किसी बच्चे के अगेंस्ट है, तो आपको बाध्य नहीं कर सकती सरकार अपना डाटा देने के लिए. ओनली इन केस ऑफ अरेस्ट, नॉट इन केस ऑफ कन्विक्शन, राइट. तो अगर आपको एक दिन का भी कन्विक्शन हो गया, मान लीजिए आप ड्रंक ड्राइविंग करते हैं, आपको बंद कर देता है मजिस्ट्रेट, तो भी आपका डाटा गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है. दो इट इज इट मे नॉट बी ऑफेंस ऑफ अ वेरी सीरियस नेचर इन यू नो इन कंसिडरिंग इन कंपेयरिंग विद द ऑफेंस ऑफ अंडर आईपीसी, इवन देन गवर्नमेंट कैन कलेक्ट योर डेटा. अब इस डेटा के साथ होगा क्या? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो ब्यूरो है NCRB, इन इंटरेस्ट ऑफ प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग कलेक्ट करेगा इस डाटा को, स्टोर करेगा, प्रिजर्व करेगा और शेयर करेगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. और ये जो रिकॉर्ड है दोस्तों, इसको 75 years तक रखा जाएगा, राइट. Provided that where any person who has not been previously convicted of any offence punishable under any law with imprisonment for any term has had his measurement taken according to the provisions of Act is released without trial, discharged, acquitted by the court after exhausting all legal remedies, all records of measurement so taken shall, unless the court of magistrate direct, for reason to be recorded in writing. Otherwise shall be destroyed from the records. यानी आपका डाटा ले लिया, अब आपको एक्विट कर दिया कोर्ट ने, तो आपका जो डाटा है, अगर कोर्ट ऐसा नहीं कहता है कि डाटा को प्रिजर्व करो, तो आपके डाटा को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा सरकार को, ये कहता है सेक्शन. लेकिन आप कैसे, आपको ये कैसे इंश्योर करेगी गवर्नमेंट कि आपका डाटा गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, इस चीज के बारे में इसमें कुछ नहीं बताया गया है सेक्शन में.
कि गवर्नमेंट ये कैसे एंश्योर करेगी, सिटीजन को ये कैसे बताएगी कि भैया जो आपका डाटा हमने लिया है, जो आपकी मेजरमेंट्स हमने ली है, वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। और एक बार अगर डाटा चला गया तो क्या गारंटी है कि आप उसको यानी उसकी कॉपी नहीं बनाएंगे या उसको सेव नहीं करेंगे, राइट? और सो दिस इज एंड यू यू इफ यू सी हियर इट सेज दैट इसको यू यूज किया जाएगा, दैट कैन बी यूज फॉर पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है डाटा को, जिसका मतलब ये हुआ कि जो आर्टिकल 23 है कॉन्स्टिट्यूशन का, विच सेज दैट आपको अपने खिलाफ एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो क्या जब आपके आपसे आपका डाटा फोर्सफुली लिया जा रहा है और उस डाटा को आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हालांकि इस दिस एक्ट हैज बीन चैलेंज्ड इन दी कोर्ट, चैलेंज कर दिया है, बट अभी तो दिस इज एन ऑपरेशन, दिस इज इन फोर्स राइट राइट नाउ। नाउ लेट अस सी सेक्शन 5। नाउ व्हेन अ मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट फॉर द पर्पस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड फॉर अ टाइम बीइंग इन फोर्स, इट इज एक्सपीडियंट टू डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव मेजरमेंट अंडर दिस एक्ट, द मैजिस्ट्रेट मे मेक ऑर्डर टू दैट इफेक्ट इन दैट केस एंड द पर्सन टू होम द ऑर्डर शैल मैजिस्ट्रेट अलाउ द मेजरमेंट्स टू बी टेकन विद सच डायरेक्शंस। यानी अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी की भी जानकारी, किसी का भी मेजरमेंट लेना जरूरी है फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, राइट, तो उसको वो डाटा देना पड़ेगा। मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड फॉर पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग अंडर सीआरपीसी, यानी वो जो सिक्योरिटी जो प्रोविजन है सेक्शन 108 से जो शुरू होती है, 1078 से जो शुरू होती है सीआरपीसी में, उनके लिए मैजिस्ट्रेट आपको कह सकता है कि आप अपना डाटा दो फॉर पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राइट? अब देखो एक और इस चीज में, इसमें जो बात है, इफ एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू अलाउ द मेजरमेंट टू बी टेकन रेजिस्ट और रिफ्यूज अलाउ टेकिंग ऑफ सच मेजरमेंट, इट शैल बी लॉफुल फॉर पुलिस ऑफिसर, यानी जबरदस्ती आपके मेजरमेंट को लिया जाएगा, यानी आपकी जानकारी को जबरदस्ती पुलिस ले सकती है। इट शैल बी लॉफुल फॉर पुलिस ऑफिसर एंड प्रिजन ऑफिसर टू टेक सच मेजरमेंट इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अच्छा, अगर आप रिजिस्ट करते हो या रिफ्यूज करते हो अपना डाटा देने को, तो आपके अगेंस्ट सेक्शन 186 इंडियन पिनल कोड के अंदर ऑफेंस भी दर्ज होगा, राइट? और फिर जब ऑफेंस दर्ज हो जाएगा, जब आप फिर तो आपको कन्विक्ट होना ही होना है, क्योंकि रिजिस्ट तो आपने करा ही करा है। फिर जब आप कन्विक्ट हो जाओगे, चलो आपने इस तरह रजिस्ट कर भी लिया, फिर कन्विक्ट हो जाओगे, फिर तो डाटा देना ही पड़ेगा, है ना? अब देखो आगे, नो सूट और एनी प्रोसीडिंग शेल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग डन इंटेंडेड टू बी डन इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट और एनी रूल मेड देयर अंडर। यानी अब जब आपका डाटा जबरदस्ती किसी ने ले लिया और बाद में सब्सिक्वेंटली ये हुआ कि आप यू वर नॉट इन्वॉल्व और यू वर नॉट आपका किसी तरह से कुछ किस क्राइम में रोल नहीं था, तो आप उसके अगेंस्ट ना तो सिविल सूट फाइल कर सकते हैं और कोई और प्रोसीडिंग भी नहीं कर सकते, राइट? नो सूट्स और अदर प्रोसीडिंग शैल बी लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग डन इंटेंडेड टू बी डन इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट। यानी सेक्शन 7 प्रोटेक्शन भी गवर्नमेंट को दे रहा है कि अगर आप इन केस इन्वॉल्व नहीं भी और आपका डाटा ले लिया, तो भी आपको कोई पावर नहीं है कि आप सरकार से हर्जाना या कंपनसेशन ले सको, राइट? तो ये इसके मेन मेन प्रोविजन है दोस्तों। तो और इससे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को रिपील कर दिया है, बट उसमें जो एक्शंस लिए गए हैं जो इस एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं है, दे शैल रिमेन इन फोर्स। तो दोस्तों आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट जो था, वो बेसिकली प्रिजनर की आइडेंटिफिकेशन के लिए था, और ये जो उसमें इतनी वाइड पावर्स नहीं थी जितनी अब ये जो बायोमेट्रिक्स वगैरह लेने की जो प्रोविजंस अब
कर दी है गवर्नमेंट ने, यानी ये जो एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था 1920 में, उन्होंने भी इतनी, उन्हें भी इतना डाटा की जरूरत नहीं थी क्रिमिनल्स के लिए जितना आज हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है. तो अकॉर्डिंग टू मी दिस एक्ट वॉयलेट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड इट इज एन एफर्ट टू मेक इंडिया अ पुलिस स्टेट, मेकिंग पुलिस मोर डोमिनेंट ऑन सिटीजन, बिकॉज यू टेक पावर फ्रॉम सिटीजन टू फाइल सूट इन केस दे आर बीइंग हरेस्ड ऑल्सो, राइट? तो आप भी अपनी ओपिनियन जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये एक्ट गवर्नमेंट ने जो बनाया है वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करता है कि नहीं करता है. तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद. कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.